साथी जय यीशु की। आज मई महीने का 11वां दिन है। आज से हम लोग मनन चिंतन करेंगे महिमा के भेदों पर। महिमा के भेद के आज पहला भेद है, प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 वाक्यांश 1-10 तक, जहां पर मरियम मगदलीना, याकूब की माता मरियम और सलोमी सुगंधित द्रव्य लेकर के प्रभु यीशु के शरीर का विलेपन करने जाती हैं। जब वे वहां पर पहुंचती हैं तो उन्हें एक व्यक्ति उजले वस्त्र में दिखाई देता है और वह उनसे बातचीत करता है। वह उनसे कहता है, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नासरी को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे हैं, वे यहां नहीं है। देखिए, यही जगह है जहां उन्होंने उनको रखा था। जी हाँ साथियों, ये हमारा विश्वास है, ये कलीसिया का विश्वास है, ये क्रिस्तियों का विश्वास है कि मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु शुरुआत है हमारे अनंत जीवन की। और इसमें माँ मरियम सदा हमारे साथ है, क्योंकि हम रोज प्रार्थना करते हैं कि हे माँ मरियम, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। जी हाँ साथियों, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें एक अच्छी मृत्यु प्राप्त हो, हम प्रभु को देख पाए, प्रभु के समान पुनर्जीवित हों। आइए हम माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। हे माँ मरियम, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें अवसर दिया है कि हम तेरे पुत्र को तेरी मध्यस्थता से रोज याद करें। हे माँ मरियम, एक बार फिर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें वह कृपा दे कि हम सजग रहें, सुरक्षित रहें, हम अपनी आत्मा को तेरे पुत्र के हाथों में सहर्ष सौंप सकें, जो कि हमें अनंत जीवन दिला सकेगा। हे माँ मरियम, हम फिर प्रार्थना करते हैं हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। तू सदा हमारे साथ रहे और हमें अपने पुत्र से वह सब कृपाएं दिलाए जब हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। आमीन।